सी नेम लास्ट एग्जांपल बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ सी एच थ्री सी एच सी एच ठीक है बेटा सी एच टू सी एच थ्री और यहां पे भी सी एच थ्री दे रखा है नेक्स्ट बेटा हमारे पास सी एच है ठीक है बेटा और यहां पे बेटा क्या है सी एच टू और ये सी एच थ्री इस टाइप से बेटा और ये कंपाउंड इसके साथ कनेक्ट है बेटा सी एच सी एच थ्री एंड सी एच थ्री ये कंपाउंड बेटा पहला कंपाउंड ये दूसरा बेटा हमारे पास है थर्टींथ क्वेश्चन उसमें हमें दे रखा है सी एच थ्री सी एच टू सी एच और नीचे की तरफ सी एच थ्री है बेटा फिर इसी टाइप से बेटा सी एच और नीचे की तरफ ब्रांचिंग है बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा इजी करने मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे ऊपर की सी एच टू सी एच सी एच टू सी एच यहाँ पे एक सी एस थ्री इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट है और सी एस थ्री इसके साथ भी कनेक्ट है इसी टाइप से बेटा पूरा स्ट्रक्चर और उसके बाद स्ट्रेट चेन में यहाँ पे सी एच टू है फिर सी एच और लास्ट में सी एच थ्री और इसके साथ भी बेटा सी एच थ्री कनेक्ट है अब देखिए बेटा पहला जो हमने कहा था द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए बेटा अब जब हम बात करते हैं टर्मिनल कार्बन एक दो तीन चार पांच ये पांच टर्मिनल कार्बन है ये भी सेम है तो इसमें से हम शुरू करते हैं देखिए बेटा सबसे पहले यहां शुरू करता हूं एक दो तो देखिए बेटा ये दो कार्बन है बट यहां से देखिए एक दो तीन चार तो ये वाली तो सबसे लॉन्गेस्ट होगी ये कंफर्म हो गया कि ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन रहेगी अब इसको सेलेक्ट करना बेटा अब जाना है बेटा देखिए इसको लेते हुए एक दो तीन चार पांच सात ये सात की लॉन्गेस्ट चेन एक दो तीन चार पांच छ सात सात की लोगे अब देखिए बेटा जब हमारे पास सात की जब दो या दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आती है अब उसके लिए एक और रूल है हमारे पास इफ देयर आर और मोर लॉन्गेस्ट चेन ठीक है हमारे पास दो या दो से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन आए जैसे अभी इसमें आ गई। इसमें एक तो हमारे पास ये स्ट्रेट वाली थी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है बेटा अब ये देखिए ये एक तो ये स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट चेन है अब इस स्ट्रक्चर को मुझे दोबारा एक और बार बनाना पड़ेगा समझाने के लिए एक ये वाली लोंगेस्ट चेन है ठीक है बेटा और एक और बात कैसे है बेटा देखिए उसको मैं एक बार स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूं उसका आ, थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं इसको। हां जी बेटा चलिए सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच सी एच सी एच टू सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और यहां पे बेटा ये सी एच थ्री एक हमारे पास बेटा दो होगी लुंगेशन क्योंकि सात कार्बन की है दूसरी वाली लुंगेशन जो आपने ली वो ये मान ली हाँ सर सी एच के साथ एक सी एच थ्री और आएगा एक सेकेंड बेटा कहा पता अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल. ये वाला हाँ जी बेटा थैंक यू बेटा बताने के लिए ओके बेटा बेटा ये हाँ पे। इस टाइप से हमारे पास ये दो लॉन्गेस्ट चेन होगी जब हमने कहा इफ देर आर टू और मोर यदि दो या दो से ज्यादा लोंगेस्ट चेन होती है तो हमारे पास होता है बेटा रूल क्या है सेलेक्ट दैट लोंगेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूशन कह सकते बेटा या ब्रांचिंग की बात करते जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो बेटा ब्रांचिंग प्रेजेंट हो उसको हमें सेलेक्ट करना आप देखते हैं बेटा इसमें कितनी ब्रांचिंग है देखो सबसे पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट करते हैं इसमें देखिए बेटा एक ब्रांचिंग आई ये दूसरी ब्रांचिंग

ये ये वाली करें ये वाली करेंगे सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ब्रांचिंग तीन थी और इसमें चार थी इसलिए हमने ये वाली और यहां पे देखिए नीचे फर्स्ट और सेकंड यानी सेकंड कार्बन से शुरू हो रही है बेटा मैं एक बार ब्लू पेन और लेता हूँ साथ में हां जी बेटा तो ये देखिए बेटा ये फर्स्ट का ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन ये थर्ड कार्बन ये फोर्थ कार्बन ये फिफ्थ ये सिक्स्थ और ये सेवंथ ये आपकी बेटा ये थ्री पे देखो ये थ्री पे क्या है थ्री के ऊपर इथाइल है बेटा ऐसे शॉर्ट में देखो शॉर्ट में फिर इसको कंप्रेस करके लिख लेंगे टू पे क्या है टू के ऊपर मिथाइल है ये देखिए फोर के ऊपर क्या है बेटा हमारे पास मिथाइल है और ये देखिए फाइव के ऊपर भी क्या है हमारे पास मिथाइल ग्रुप है बेटा इस टाइप से अब बताइए मुझे बताओ ई e पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या एम पहले आता है ई तो इसलिए सब बिल्कुल सही इसलिए आईयूपीएसी आय। नेम लिखने से पहले सबसे पहले इथाइल को लिखेंगे तो इसका नाम होगा बेटा थ्री इथाइल अब देखिए बेटा ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है और तीन बार है और तो तीन तीन बार है तो जब तीन बार होता है तो मैंने आपको बताया ट्राई लगेगा और इनकी पोजीशंस के साथ तो पोजीशन क्या क्या है इसकी इसकी पोजीशन है टू फोर और ये फाइव डी स्मॉल ट्राई मिथाइल और सात कार्बन की चेन है तो सात कार्बन के लिए आता है हेप्टेन वेरी गुड बेटा तो ये इसका नाम रहेगा ठीक है बेटा समझ में आई ये वाला एस, ये हमारा है 12th एग्जांपल अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 में बात करेंगे बेटा तो इसमें भी वही पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन देखिए बेटा जब हम चेन सेलेक्ट करते करते हैं 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 इसके अंदर तो 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 कौन से होगी तो को लेते ये 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 वाला ये वाला वाला ये तो सारे सेम है, बस कैलकुलेट करन, करना शुरू करते हैं यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इन दोनों में लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी या फिर यहां से लेके यहां तक कोई बार देख लेते हैं तो चेक करते हैं। एक दो तीन चार पांच छ सात ये सात की होगी बेटा चेक करते हैं अब इसकी चेक करते हैं यहां से एक दो तीन चार पांच छह सात की हो गई चलिए अब यहां शुरू होते हैं एक दो तीन चार पांच तो रूल अप्लाई करना है सिलेक्ट दैट लॉन्गेस्ट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग तो इसके लिए भी हमें दो तीन स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे इसलिए मैं क्या करता हूं बेटा पेंसिल से बना लेता हूं तो पेंसिल से क्या होगा जो वाला जो वाला गलत होगा उसको हम रब कर देंगे एक एक करते हुए देखो सबसे पहले क्या करा बेटा मैंने इस वाली को लोंगेश चेन बना लिया ठीक है बेटा ये वाली हमारे पास क्या होगी लोंगेश चेन हो गई तो इसमें कितनी ब्रांचिंग आई एक ब्रांचिंग दो ब्रांचिंग और तीन ब्रांचिंग ठीक है बेटा अब जब मैं इस वाली को लोंगेश चेन बनाता हूं इस वाली को तो ब्रांचिंग कितनी आएगी एक दो और ये तीन इसमें भी तीन आई अब इस वाली को सिलेक्ट करते हैं इसमें भी ब्रांचिंग तीन आई तो ऐसे केसेस में जब ब्रांचिंग सेम आती है तो आप कोई सी भी चेन कर सकते हो बेटा देखो तीनों में मैंने तीनों ही सेलेक्ट करके देखी सात 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 क्या आई तो तीनों में क्या होगी चेन सेम वाली हुई अब मुझे बताइए कौन सी वाली सेलेक्ट करू स्टेट वाली चेन सेलेक्ट करूँ या इस कॉर्नर वाले या ये वाली वो आपकी मर्जी आप कौन सी सेलेक्ट करनी है से तीनों का ही नाम सेम आएगा बेटा स्ट्रेट वाली सर चलिए मैं स्ट्रेट वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ बेटा मैंने स्ट्रेट वाली सिलेक्ट कर ली

यहां से यहां तक जाते हैं तो ये तो हमारे पास या तो यहां से यहां जाएंगे पेन उठाए बिना यहां से यहां तक जाएंगे तो ये हमारी ब्रांचिंग होगी और ये वाली क्या होगी जो मैं इसमें इस ट्राइंगल की शेप में दिखा रहा हूं जिसको वो हमारी क्या होगी बेटा सब ब्रांचिंग और ये हमारी कहलाएगी ब्रांचिंग ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन इस टाइप से बेटा तो सबसे पहले सब ब्रांचिंग को लिखेंगे तो सब ब्रांचिंग क्या होगी हमारे पास टू मिथाइल और ब्रांचिंग एक दो तीन तीन कार्बन की है तो क्या कहलाएगा प्रोफाइल और ये पूरा का पूरा कनेक्ट है बेटा आपका किसके ऊपर फोर्थ कार्बन पे तो ये फोर्थ पे इस टाइप से अब देखिए बेटा तो ब्रांचिंग को ब्रांचिंग के साथ कंपेयर करते हैं यहां पे पी है और यहां पे एम है तो मुझे बताइए बेटिकल ऑर्डर में पी पहले आता है या एम पहले आता है अरे एम एन ओ पी एम पहले आएगा भाई तो इसलिए इनको पहले लिखा जाएगा बिल्कुल सही तो ये टू और दो बार रिपीट है देखो मिथाइल ये भी मिथाइल है तो इसलिए इनको दो बार लिखा जाएगा तो ये बन तो जाएगा टू फाइव डाई मिथाइल ये दोनों ब्रांचिंग हुई अब इस ब्रांचिंग की बात करते हैं फोर टू मिथाइल प्रोपाइल और सात कार्बन की चेन है तो यह आ जाएगा हेप्टेन इस टाइप से ये इसका आईपीसी नेम हो गया ठीक है बेटा इस टाइप से ये हमारे पास क्या बन गया आईपीसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ठीक है बेटा तो इस टाइप से क्वेश्चंस जब भी आए तो हाँ बेटा बोलो बोलो सर जैसे इसमें नीचे ब्रांचिंग है तो हम ऊपर और नीचे में से किसी भी ब्रांचिंग का नाम पहले लिख सकते हैं ना ना बच्चे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखना है ऐसे नहीं लिखना कि आपने कौन सा ऊपर नीचे वाला पहले लिख दिया नहीं बेटा अल्फाबेटिकल से पहले लिखना है आपको ठीक है ना अब वो कैसे भी हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहे ऊपर हो चाहे नीचे वो आप कैसे भी लिख लीजिए ना बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए वो अच्छा okay. ये स्ट्रक्चर ये बनाने हैं नो सर नेमिंग की अरेंजमेंट करना पड़ेगा अल्फाबेटिकल

तो इसके अंदर करना क्या है बेटा कि लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखना ही है जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए तो वो कहलाता है आपके पास एलकी और जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो बेटा वो कहलाएगा एल्काइन ठीक है चलिए शुरू करते बेटा फॉर एग्जाम्पल सी एक्स थ्री ठीक है बेटा सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू यहां पर हम एल्कि कर लेते हैं और यहां पे एल्काइन के कर लेंगे। हाँ जी बेटा अब देखिए आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है साफ साफ ये डबल बॉन्ड है अब आपको करना क्या है बेटा इस डबल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी देनी है और नंबरिंग वहां से शुरू करनी है जहां से डबल बॉन्ड क्या हो लीस्ट काउंट ठीक है बेटा तो यही इसका रूल है क्या रूल है नंबरिंग द पेरेंट चेन फ्रॉम दैट साइड ठीक है बेटा फ्रॉम दैट साइड उस साइड से करने डबल बोन और ट्रिपल बोन गेट लीस्ट काउंट या लोअर नंबर आए बेटा काउंट और लोअर नंबर क्या करे बेटा लोएस्ट नंबर ऑपटेन करे अब मुझे बताओ कि नंबरिंग जब यहां से करते बेटा देखो पीछे शुरू करते हैं यहां से आगे से एक दो तीन तो ये थर्ड कार्बन पाते और पीछे शुरू करते तो फर्स्ट कार्बन पाएगी इसलिए नंबरिंग हम कहां से शुरू करेंगे बेटा पीछे से तो इसको बेटा जब भी याद रखना डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो तो जो पहले वाला कार्बन होता है उसके साथ इसको इंक्लूड करते कभी भी पीछे वाले कार्बन के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड होता है ये हमेशा फर्स्ट कार्बन के साथ आएगा यदि यहां पे होता तो ये सेकंड कार्बन के साथ इंक्लूड होता तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने है इसके अंदर चार और चार कार्बन के लिए आता है हमारे पास क्या ब्यूट और ब्यूट के बाद क्या लगाते हैं बेटा मैंने आपको बताया था एल्क रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम को इसके बाद हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो इसके अंदर साफ़ साफ़ देख रहे और और की कौन सी है बेटा बेटा तो वन, इन. ठीक इन आ गया और कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो पीछे क्या लगा दिया हमने ई लगा दिया तो ये क्या बन गया ब्यू वन ई चलिए बेटा इसी टाइप से बेटा इसका एग्जांपल करते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी हाँ जी बेटा मुझे बताइए ये लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे नंबरिंग या राइट हैंड से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड से बिल्कुल सही बेटा लेफ्ट से क्योंकि लेफ्ट से बेटा ये जो ट्रिपल बोन्ड है वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है और राइट हैंड से शुरू करते बेटा तो वन टू थ्री फोर्थ कार्बन पे आता है लिस्ट लोएस्ट नंबर इसको देना है अब मुझे नाम बताओ इसका क्या नाम होगा बेटा कितने कार्बन बेटा के अंदर सेवन सेवन कार्बन के लिए क्या आता है बेटा बिल्कुल सही थ्री आइन आइन बिल्कुल सही आइन आई हो गया बेटा और कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है तो पीछे लग जाएगा आइन लग जाएगा तो हैप थ्री आइन इस टाइप से होते ठीक है बेटा अब हम दूसरा एग्जांपल एक एक करते हुए दोनों का एग्जांपल करेंगे बेटा सी एच थ्री सीएच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू चलिए बेटा अब मुझे इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करके दिखाओ कौन सी सी लॉन्गेस्ट चेन होगी और ये बेटा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी हो और उसमें आपको डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड करना है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर

थ्री इथाइल वेरी गुड है, है, वेरी गुड बेटा ये इसका थ्री अब देखिए बेटा कभी भी किसी भी चेन में ट्रिपल बोन्ड अब जैसे हम बात करते हैं डबल बोन की बात करें साथ में यहाँ पे ट्रिपल बोन्ड बिगड़ लेते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम मिक्स करते हुए चलेंगे सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच थ्री हाँ जी बेटा लॉन्गेस्ट तो एक ही है अब देखिए बेटा जब मैं नंबरिंग की बात करता हूं देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट नंबर से आ रहा है और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है तो इसलिए नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे जहां से लिस्ट काउंट होता हो तो यहां से शुरू करेंगे वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स अब देखिए बेटा तो टोटल छह कार्बन है और छह कार्बन के लिए क्या आता है हमारे पास हेक्स आता है क्या आता है हेक्स अब इसके अंदर देखिए बेटा ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास दो बार रिपीट है कितनी बार रिपीट है दो बार रिपीट है एक है फर्स्ट नंबर पे और एक है फोर्थ नंबर पे और जब दो बार आता तो दो के लिए क्या लिखते हैं बेटा हम डाई वेरी गुड डाई और ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई लगाते हैं डाई और पीछे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए ई आ जाएगा तो हेक्स वन फोर डाई ये हमारे पास इसका आई नेम बनेगा बेटा ठीक है चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं तो वो आप मुझे करके दिखाएंगे हाँ जी सर एक बार पीछे वाला एग्जांपल दोबारा समझाना ओके बेटा यहाँ पे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है वो ट्रिपल बोन्ड के डबल बोन्ड के अंदर हम समझा देंगे चलिए बेटा इसका यूपीएससी नेम बताइए फिर मैं समझाता हूं इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखा आप लोगों ने मैं बताता हूं दोबारा सेवन को फाइव एक से एक से अरे नहीं, नहीं फिर गलती करके तो पहले सबसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बताओगे बेटा कार्बन कितने टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और नाइन के लिए क्या लिखते हैं नॉन बिल्कुल सही नौन पहले नॉन लिखा जाएगा बिल्कुल सही ठीक है बेटा पहले नाइन कार्बन के लिए नॉन बिल्कुल सही वन फाइव हाँ जी हां क्योंकि बिल्कुल सही

हाँ जी बच्चे कोई पूछा था मेरे से कि सर एक बार पीछे समझा दो दोबारा से समझ में आया बेटा उसको यस yes, सर ओके बेटा चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसका फिर उसके बाद मैं इन दोनों को मिक्स करेंगे डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को हाँ जी बेटा इसको छोटा सा ले लेता क्योंकि सी एच टू सी एच सी एच डबल बोन सी CH3 CH3 हां जी बेटा चलिए अब इसका यूपीएससी नेम बताइए फोर मिथाइल फोर मिथाइल पेंट पैंट वन वन थ्री वेरी गुड वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया अब सुनो बेटा एक्चुअली में क्या करा इन्होंने देखो तो बेटा यहां से शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर और ये फाइव ये इन्होंने लोंगेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया बेटा अब देखिए जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी वो फर्स्ट थी उसके बाद थर्ड पे डबल था और साथ में इसमें ब्रांचिंग भी लगा रखी थी तो इसलिए टोटल, को जब हमने इन टोटल को का, तो ये अब इन सब का जो टोटल एड हुआ वो कितना हुआ, four, four, eight, और जब पीछे शुरू करते बेटा ब्रांचिंग आई सेकंड नंबर पे देखो सेकंड नंबर पे और डबल बॉन्ड भी सेकंड नंबर पे और ये देखिए वन टू थ्री फोर और उसके बाद आया फोर पे जब इस टाइप से बात करते हैं तो इस केस में दोनों की तरफ सेम आता है जब इस टाइप से तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू ब्रांचिंग ठीक है बेटा अब जब हमारे पास ये नंबर आ जाता है देखो इस टाइप से आपने डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी इस केस में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ये CH3 ये बेटा और ये CH2 अब इसका बताइए बेटा अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे यहां राइट right साइड से या लेफ्ट लेफ्ट ओ सॉरी साइड से या राइट right साइड से ये ये राइट साइड है मेरा क्योंकि, ये है, क्योंकि यहां से करते तो पे चली गई और पीछे करते तो पे आई. ये वाली. इसका जल्दी से IUPSC नहीं बता दो बेटा जल्दी से वेरी गुड आपने बहुत बढ़िया बताया मिथाइल वेरी गुड बेटा चलिए ये हो गया बेटा हमारे पास सिंपल सा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम प्रोसेस सेम रहना अब किसी भी चेन के अंदर बेटा जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए जाए डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं तो देखिए बेटा जब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन लगाते हैं तो मुझे बताओ कि पहले कौन सा लिखा जाएगा ईन लिखा जाएगा या आईन लिखा जाएगा और क्यों लिखा जाएगा यदि हम आईपीएस सर लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल एल ऑर्डर में पहले आते बिल्कुल सही बेटा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो इन पहले लिखा जाएगा इसको मिल जाएगी पहले अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ठीक है बेटा। बेटा। अब सुनो मैं आप बताता कैसे लिखते अब किसी भी कंपाउंड के अंदर इसके अंदर तीन एग्जाम्पल है हमारे पास मैं तीनों एक्सप्लेन करता हूँ बेटा हाँ जी बेटा देखिए सी एच थ्री सी एच टू पहले डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं CH, CH2, C triple bond C CH3. पहला एग्जाम्पल ये दूसरा एग्जाम्पल छोटा कर देता हूं उसको सी एच थ्री सी एच डबल बोन्ड सी एच सी ट्रिपल बोन सी एच तीसरा एग्जाम्पल सी एच टू डबल बोन्ड सी एच

वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो देखिए जब आगे से ब्लू पेन से शुरू करा मैंने तो जो डबल बॉन्ड आया और ट्रिपल बॉन्ड आया डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजीशन पे आया और जो ट्रिपल बॉन्ड आया वो फोर्थ पोजीशन पे आया ठीक है बेटा ये आपका डबल बॉन्ड था जो फर्स्ट पोजीशन पे आया और ट्रिपल बॉन्ड आया बेटा फोर्थ पोजीशन पे और दोनों का एडिशन मिला के हो गया फाइव अब इसके बाद बात करते हैं जब पीछे से हमने शुरू करा

कार्बन एटम है कितने हैं 6 और 6 कार्बन के लिखा जाता है हेक्स ठीक है बेटा अब देखिए आउट ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो पहले कौन सा लिखा जाएगा डबल बॉन्ड विद इट्स पोजीशन क्योंकि ई पहले आता है तो उसकी पोजीशन है 1 ई अब लिखा जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है बेटा 4 बिल्कुल सही 4 आई अब देखिए बेटा कोई फंक्शन ग्रुप अटैच है नहीं है तो इसलिए पीछे क्या लिखा जाएगा ई e लिख आ जाएगा तो हेक्स वन इन फोर आई इस टाइप से लिखा जाएगा अब प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड राइट साइड वेरी गुड राइट साइड से वन टू थ्री फोर फाइव अब इसका नाम भी बता दीजिए वैसे ही एंड थ्री इन वेरी गुड अब देखिए बेटा, जब जब दोनों दोनों ही तरफ से से, से से हमारे पास, की पीछे और आगे सेम आ जाए, देखो यानी फोर, फोर पे और पे और पीछे से भी क्या आ जाए फोर पे और वन पे ये डबल बॉन्ड के लिए है और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए दोनों का एडिशन फाइव आ गया तो जब दोनों ही पोजिशन सेम होते बेटा तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं ऑर्डर को ठीक बेटा किसको प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं और अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर ठीक है बेटा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो हम क्या करेंगे बेटा तो प्रायोरिटी किसको देंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल से डबल बॉन्ड को तो इसका नाम हो जाएगा बेटा हमारे पास तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे वन टू थ्री फोर और ये फाइव बिल्कुल सही बेटा पेंट वन इन फोर आइन ये हमारे पास बन जाएगा बच्चे ये हमारे पास इसका आईपीएससी नहीं बन गया तो इस टाइप से बेटा ये हमारे पास है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के इससे ज्यादा नहीं है और थोड़े से कंपटीशन में आ जाते हैं बेटा कैसे आता है कंपटीशन वाले वो भी मैं आपको छोटा सा बताऊंगा ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे एक्चुअली में क्या होता है बेटा जब हमारे पास ब्रांचिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बोर्ड चले जाते हैं तो वो कैसे आते हैं देखो ये एक्चुअली हमारे पास सिलेबस में नहीं है मैं पहले बताता हूँ बेटा सीबीएसई में नहीं है बट थोड़ा सा कॉम्पिटिशन के लिए भी हम कर लेते हैं चब कर ही रहे हैं तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू

आई लग जाता है और इसकी जगह पोजिशन यदि फर्स्ट होती है तो बेटा आप लिख भी सकते हो और नहीं भी तो इट ई और पीछे आई लग जाएगा ये इन इसलिए क्योंकि ब्रांचिंग में भी क्या है डबल है बेटा इसलिए इस का नाम ये यदि वन के अलावा डबल बोर्ड की और कोई सी पोजिशन होती बेटा सेकेंड होती थर्ड होती तो यहां पर क्या जाता इट टू इन और वाई एल इसलिए बेटा इसका जो आई यूपीएससी नेम बनेगा वो बनेगा आपके पास थ्री थिनाइल और पांच कार्बन के लिए बनता है पेंट उनकी पोजीशन डबल बॉन्ड की दो बार है वन फोर डाईन हाँ जी बेटा कुछ कह रहे थे कोई ठीक है ओके बेटा इस टाइप से आपका डबल बॉन्ड है कई बार क्या होता है बेटा सुनिए

तो इसे हम कहते हैं मिथाइलिडीन कहते हैं बेटा क्या कहते हैं मिथाइलिडीन बेटा पेरेंट चेन हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ सी एच ठीक है बेटा और यहाँ पे सी एच थ्री दो कार्बन हो. और आप भी जानते हो दो कार्बन के लिए आता है इथ और पीछे लग जाता है इथाइल और पीछे लग जाता है आई डी ई एन इथाइलिडीन ये इनके आई पी होते हैं बेटा इस टाइप से ठीक है ये दो ही आते हैं इस टाइप से बेटा डबल बॉन्ड के और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर नहीं आ सकता ब्रांचिंग में क्योंकि एक कार्बन के पांच बॉन्ड नहीं बनते ठीक है बेटा ये इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड आए जैसे पेरेंट चेन हो गया ये आपके पास और ये सी ट्रिपल बॉन्ड और ये CH आ जाए आप देखो बेटा दो कार्बन है दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा इथ आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है YN और पीछे क्या लग जाएगा आयल इथ इन आयल इस टाइप से कहलाएगा ठीक बेटा तो ये आपके पास हो गए हायर क्लासेस के थोड़े से अबव करा दिए बेटा मैंने जो ब्रांचिंग में जाते हैं तो इसी के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी खत्म हुआ अब शुरू होता है बेटा हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो मेन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बेटा देखिए बेटा जब मैंने आपको एक कल चार्ट सेंड किया था फंक्शनल ग्रुप का उसमें दो चीजें लिखी हुई थी बेटा उसमें एक चीज होती है प्रीफिक्स और दूसरी थी सफिक्स प्रीफिक्स वो होते हैं बेटा प्री मतलब जो पहले लगते हैं प्री का मतलब होता पहले लगना सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगते हैं ये सफिक्स ऑलवेज रिप्लेस करते हैं बेटा ये रिप्लेस करेंगे किसको ई को रिप्लेस करते हैं जो हमेशा हम एंड में लगाते हैं ना जो ये देखो जब एंड में जब नाम लिखा था ई ये रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा सफिक्स के द्वारा ये हमेशा रिप्लेस सफिक्स को और प्रीफिक्स एज अ ब्रांचिंग यूज होंगे जो पहले लिखते हैं पेरेंट चेन से पहले लिखे जाएंगे ये बड़ा ब्रांचिंग की तरह इस होते हैं से पहले लिखे नेम चे पहले लिखे लिखे जाएंगे राइट बिफोर पेरेंट्स नेम विद देयर पोजिशन उनकी पॉजिशन के साथ विद पोजिशन ठीक है बेटा

ये पहला फंक्शन रूप है और जो हैलोजेंस होते हैं बेटा इनको हम हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं किसकी तरह यूज करते हैं प्रीफिक्स इनको कभी भी हम सफिक्स की तरह यूज नहीं करते बेटा और हमारे पास जो हेलोजन्स होते हैं बेटा ये हमारे पास होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये बेटा तो फ्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स फ्लोरो यूज करते हैं क्लोरीन के लिए यूज करते हैं क्लोरो आयोडीन के लिए यूज करते हैं बेटा आयोडो और ओ क्या हाँ ब्रोमीन आयोडो इसको यूज करते हैं है, इसलिए थोड़ा सा वहां चला गया था दिमाग ब्रोमो और यहां पे आयोडीन के लिए यूज करते हैं बेटा आयोडो यूज करते हैं ठीक है बेटा फ्लोरोलोरोग्जाम्पल एक एक करते हैं सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू सी एच थ्री हाँ जी बेटा अब अगेन क्या है बिटा? तो ये ब्रांचिंग की तरह है तो इसको लिस्ट काउंट करना है दोनों तरफ से नंबरिंग वहां से शुरू करना है जहां से ये लिस्ट काउंट हो जाए नंबर कम आ जाए ब्रांचिंग में तो ये आपके पास पेरेंट चेन हो गई और ये किसमें चला गया ब्रांचिंग में तो ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन ये थर्ड और ये फोर्थ पीछे शुरू करते तो किस पे आता थर्ड कार्बन पे इसलिए बेटा इसका नाम क्या कहलाएगा अब टू ब्रोमो ठीक है बेटा और चार कार्बन के लिए क्या हो गया ब्यूट और पीछे लग जाएगा ए और ब्यूटेन वेरी गुड बेटा चलिए सेकेंड एग्जांपल अब बेटा देखिए इतने सारे कार्बन बनाने की जगह मैं ना अब ऐसे इस टाइप से बनाया करूंगा यहां ब्रोमीन यहां क्लोरीन और यहां पे डब कहा डबल बोन लगा चलिए यहां डबल बोन लगा देता हूं चलो अब इसका आईयूपीएससी ने आपको बताना है फिर मैं इसको कंफर्म करूंगा ये ठीक है या गलत है बेटा सर थ्री ब्रोमो फोर क्लोरो पेंट इन थ्री ब्रोमो एक बार सेकेंड दोबारा बताना थ्री ब्रोमो फोर क्लोरो ना 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 बच्चे बच्चे गलत हो गया देखो सुनो ये तो बेटा देखो जहां से आपने हाँ बेटा एक से मैं अभी जो बच्चे ने बताया उसकी बता तो बताता यहां शुरू करा वन ये टू ये थ्री ये फोर और उन्होंने यहां से फाइव ले लिया अब देखो ब्रांचिंग कौन से कार्बन पे आ गई ये थ्री पे आई फोर पे आई और डबल बोंड को भी फोर्थ पोजीशन मिल गई और ये फोर तो टोटल देखो कितना बना अब यहां से शुरू करता हूं वन ये टू ये थ्री ये फोर और ये फाइव अब देखिए बेटा तो डब, डबल बॉन्ड को पोजीशन मिल गई फर्स्ट और क्लोरो को मिल गई सेकंड और इसको मिल गई थर्ड

वन बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और ये भी सही बताया बच्चे ने कि ब्रोमो को पहले लिखा क्योंकि और भी पहले आता है और वाला समझ में आया इस टाइप से आपका फर्स्ट फंक्शन ग्रुप होता है अब हमारे पास सेकेंड जो फंक्शन ग्रुप होता है बेटा वो होता है एल्कोहल और एक दिन में बेटा देखो जहां तक आप कहोगे वहां तक करेंगे अभी हमारे पास दस मिनट और है

व्हाट्सएप पे नहीं समझा पाए तो लाइव क्लास में उसको समझा देंगे अब देखिए बेटा इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है बेटा हाइड्रोक्सी और सफिक्स यूज़ होता है बेटा इसके लिए क्या यूज होता है बेटा सफिक्स आप लोगों को पता है सर गुड बिल्कुल सही ऑल यूज होता है और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो होता है ओ एच ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है ओ एच ठीक है बच्चे फंक्शनल ग्रुप होता है इसका ओ एच अब देखिए इसका प्रीफिक्स का मैं थोड़ी देर में बताऊंगा जब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा तब बताऊंगा प्रीफिक्स का क्या यूज होता है इसके अंदर चलिए चलो सिंपल से जो बता सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच थ्री हाँ जी बेटा चलिए अब इसका नाम बताइए कितने कार्बन है बेटा फोर बिल्कुल सही फोर कार्बन के लिए क्या आता है बेटा ब्यूट देखो चार कार्बन के लिए मैंने बताया था ब्यूट होता है एक दो तीन चार अब देखिए और कार्बन कार्बन के बीच में देखो क्या है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है एन अब देखिए बेटा ये जो फंक्शनल ग्रुप है ओ OH, एच ये कौन से कार्बन से कनेक्ट है फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन कहा से नंबरिंग शुरू करेंगे सेकंड से, से, या थर्ड सेकंड से सर बिल्कुल सही टू अब देखो बेटा यहाँ पे जो ये ई पीछे लगना था अब ये ई e रिप्लेस हो जाएगा बेटा ओल से तो टू इसमें आ जाएगा ओल तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ओल इस टाइप से बेटा ठीक बेटा अब जो जो ई था रिप्लेस कर दिया किसने ओल ने रिप्लेस कर दिया अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे चले जाते हैं ज्यादा नहीं थोड़े से अब जब ऐसे लिखा जाए बेटा तो याद रखना इसके अलावा ऐसे अलग से ओएच ऐसे मेंटेन दिया जाएगा तो समझ जाना ये कार्बन के साथ है, ऐसे अटैच है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और याद रखना बेटा हमेशा इसको ओएच को प्रायोरिटी मिलेगी इसको लीस्ट काउंट रखना हमेशा मतलब कम नंबर पे रखना चलिए बेटा अब बताइए इसका नाम बताओ जल्दी से ये भी एक अल्कोहल है थोड़ा सा गलत कर दिया बेटा आपने डबल बॉन्ड भी तो है इसकी पोजीशन का इसको फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन ये थर्ड कार्बन ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन चलिए अब मैं बताता हूँ हमने लिखा पांच कार्बन पांच कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा बिल्कुल सही क्या कार्बन कार्बन के बीच में सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा दब, डबल डबल बोर्ड भी अब डबल दब, बोर्ड की पोजीशन क्या है टू बिल्कुल सही टू और साथ में क्या लग जाएगा इन 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 वेरी गुड इन, इन, और ओएच भी तो है अब देखो वाज़ रिप्लेस बाय ओ एच को क्या लिखेंगे इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट और वन ओल अब ऐसे लिखेंगे बेटा तोड़ तोड़ के पेन टू इन वन ओल ठीक है अब एक और एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को ये भी मुझे बताइए आप दो बार रिपीट कर देते हैं इसको CH2 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 यहां पर भी OH लगा देता हूं और यहां पर भी OH लगा देते हैं ये थोड़ा सा चलो, चलो ये दे देता चलो कोई बात नहीं ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगा ये सेकंड एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल चलिए बेटा आप ये बताइए इसका नाम बताओ

अब शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का बेटा जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप आता है बेटा वो आता है सी डबल बोन ओ एच और सी एच ओ देखिए बेटा जैसे ये एल्डिहाइड के अंदर कार्बन भी इंक्लूड करता है अपने फंक्शन ग्रुप के अंदर और इसके पास कार्बन के पास क्या होगी कार्बन चेन खत्म होगी हाइड्रोजन आ गया तो कार्बन चेन खत्म हो जाती है इसी वजह से बेटा इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं टर्मिनल कहते हैं और जब ये टर्मिनल हो गई तो इसको टर्मिनल का मतलब होता है एक एंड ये यहां पे एंड मान नहीं पड़ेगा आपको तो ये हमारे पास कहलाती है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और जब भी किसी भी चेन के अंदर अभी तक जो हमने फंक्शन ग्रुप कहे हैं मेरे बात ध्यान सुना अभी तक हमने सिर्फ तीन फंक्शन दो ही फंक्शन ग्रुप किया जिसमें एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड तो उन दोनों में से प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलती है एल्डिहाइड्स को मिलती है बेटा इसके लिए भी प्रीफिक्स क्या आता है बेटा प्रीफिक्स आता, आता है इसके लिए फॉर्माइल एंड सफिक्स आता है सफिक्स आपने पढ़ रखा बेटा सीएचओ। ना 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 सफिक्स अल बेटा वो तो फंक्शनल ग्रुप है इसका CHO तो ये ना CHO तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है इसके लिए सफिक्स आता है अल अब इसके एग्जाम्पल करते हैं बेटा देखिए फर्स्ट मेंबर शुरू करते सी एच सी डबल बोन ओ एच सेकेंड मेंबर सी एच थ्री सी एच ओ थर्ड अच्छा पहले इसकी बात करते हैं। बेटा इसमें कार्बन कितने हैं बिल्कुल एक कार्बन के लिए क्या आता है बेटा मिथ मिथ और सिंगल बॉन्ड होता है कार, कार्बन का एक सिंगल मिथ है तो एक सिंगल बॉन्ड हो गई और पीछे क्या लग जाएगा अल लग जाएगा इसके पीछे ई वॉज रिप्लेस बाय अल ठीक है बेटा अब इसमें देखो कितने कार्बन है तो, तू, तू. दो कार्बन के लिए क्या आता है बेटा बिल्कुल सही इत, हाँ जी बेटा इथे नल और देखिए बेटा आप कॉमन नाम की बात करते हैं ध्यान से मैं कॉमन नेम की बात करते हैं एक कार्बन के लिए हमेशा यूज किया जाता है बेटा फॉर्म यूज किया जाता है एक कार्बन जब भी होगा तो उसके लिए फॉर्म और कौन सा फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड डीड इसलिए इसको लिखा जाता है कॉमन नेम में बेटा इसको फॉर्म एल ये इसका कॉमन नेम है और याद रखना दो कार्बन के लिए हमेशा यूज किया जाता है जैसे आपने पढ़ा होगा टेंथ क्लास में एसिटिक एसिड एसिटोन तो दो कार्बन के लिए एसिड यूज करते हैं बेटा ठीक है बेटा क्या यूज करते हैं

अब मैंने टर्मिनल क्यों कहा इसको अब ध्यान से आप कुछ समझ जाओगे इसमें बेटा आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है इस चेन के अंदर हाँ जी बेटा ओ देखिए ये बिल्कुल सही ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप और याद रखना बेटा जब भी ऐसी कोई चेन हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप लिखा हो तो इस फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है एक्चुअली में कहोगे सर लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाली है क्योंकि इसमें कितने कार्बन है एक दो तीन चार पांच इसमें पांच कार्बन है यदि मैंने इसको ले लिया और इसको इस इधर चले गए एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार की बनेगी तो बेटा फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप को आपको लेना ही पड़ेगा चाहे वो कितनी लंबी चेन क्यों ना बनाए कितनी छोटी क्यों ना बनाए तो इस कार्बन को इस फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी हमेशा और इसको लेते हुए आपको लोंगेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी आइधर आप इस साइड जाओ चाहे इस साइड जाओ क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ क्या है सेम है तो जिस तरफ ज्यादा होती है उस तरफ आपको जाना पड़ेगा बेटा तो देखो मैं इसको इधर ले जाता हूं और ये आपके पास क्या होगी बेटा ब्रांचिंग क्या लाएगी ठीक है बेटा याद रखना और जो हमारे पास एलडीहाइड होता है इसका जो कार्बन होता है इसको हमेशा आपको फर्स्ट पोजिशन देनी पड़ेगी क्योंकि प्रायोरटी मिल जाती है तो याद रखना बेटा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इसके जो कार्बन होते हैं फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन होता है उसको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी उसको हमेशा फर्स्ट कार्बन की मिलती है प्रायोरिटी ठीक है बेटा तो इसको प्रायोरटी मिल गई इसको फर्स्ट कार्बन हो गया ये सेकंड कार्बन ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन फोर्थ कार्बन और ये ब्रांचिंग तो इसीलिए इसका नाम हो गया बेटा हाँ बेटा बोलो आप किस की अरे नहीं बेटा अभी चल रही है हो सकता है कि नेट 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 कोई 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 बात 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 नहीं 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 आपका स्लो है स्लो हो 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 या मेरा भी सकता सकता है है भाई सही बेटा दूसरे बच्चे ने बताया कोई बात नहीं हो सकता है। आपके यहां से नेट की प्रॉब्लम गई मैं थोड़ी देर के लिए देख, ऐसे बता रहा हूं। इस टाइप से अब बेटा देखिए जब हम बात करते हैं देखो दो फंक्शन ग्रुप एक ही चीज हाँ जब हमारे पास किसी भी चेन में बेटा दो फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं तो तो प्रायोरिटी किसको सबसे ज्यादा देते हैं देखिए बेटा अभी तक जो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको कराए हैं इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एल्डिहाइड को फिर एल्कोहल को कम प्रायोरिटी देते हैं फिर आपका आता है डबल बॉन्ड और सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है ट्रिपल बॉन्ड को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इन दोनों के अंदर ठीक है बेटा तो ये हमारे पास है प्रायोरिटी ऑर्डर क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा का पूरा प्रायोरिटी क्योंकि मैंने जितना समझाया उतने के ऊपर बात कर रहा हूं मैं अभी तक दो ही फंक्शन ग्रुप कराएं अब किसी भी चेन के अंदर बेटा देखिए सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एच सी एच टू सी एच ओ बेटा इस चेन के अंदर आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा और एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा और किसी भी चेन के अंदर बेटा हम किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप को फिर ब्रांचिंग में जाना ही होता है तो किसी भी एक पेरेंट चेन में बेटा जो हमारे पास ई e होता है उसको सिर्फ एक ही फंक्शन ग्रुप रिप्लेस करता है दो फंक्शन ग्रुप कभी भी रिप्लेस नहीं करते तो ऐसे केसेस में जब दो फंक्शन ग्रुप आते हैं तो इन दोनों में से हम किसी एक को प्रायोरिटी देते हैं तो इन दोनों में से मैंने अभी आप आपको बताया किसको प्रायोरिटी दीजिएगा एल्डिहाइड को तो इस एल्डिहाइड को आपको लोंगेश चेन में रखना है और ई एच OH, अब किस में चला जाएगा बेटा ब्रांचिंग में चला जाएगा और जब ये ब्रांचिंग में चलाता है तो इसको आपने क्या दे दी प्रायोरिटी दे दी सी एच ओ को और जब इस ओए को प्रायोरिटी नहीं मिली तो ये प्रिफिक्स की तरह यूज होता है बेटा में जाने के लिए किसकी तरह होता? बिल्कुल सही बेटा तो ये किसकी तरह होगा और इसको फर्स्ट दिया ये ये थर्ड ये और ये फिफ्थ तो ये क्या लगेगा बेटा आपका थ्री हाइड्रोक्सी अब प्रीफिक्स में ओएच को मैंने अभी आपको बताया कि ओएच को क्या कहते हैं बेटा हम हाइड्रोक्सी कहते हैं तो ये हो जाएगा आपका थ्री हाइड्रोक्सी पांच कार्बन की चेन, चेन वन, आल, इस टाइप से ठीक है बेटा तो इस टाइप से आपको करना है और मैं एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा आप लोगों को तो वो असाइनमेंट सोल्व कर लेना बेटा और उसमें उस भी कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में जब हमारे पास